Good morning, students. I hope you are fine at home with your family. So today we are going to start our today lesson. Our today lesson, track 400 meter part 2. So हमने first जो part था track का, उसमें हमने discussion की थी कि track कैसे बनता है और उसके जो हमने calculation निकाली थी, calculation में पता है जो last point का पूछा था radius 38.18 meters. Radius 38.18 meters. तो इससे आगे जो अपना part second है वो start करने वाले हैं हम लोग. तो उसी तरह हम one by one step by step आगे बढ़ेंगे. तो track क्या होता है, track कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए पहले आप लोगों को measurement करनी पड़ती है कि space कितना है. अगर हम लोग 400 मीटर का ट्रैक बना रहे हैं, स्टैंडर्ड ट्रैक बना रहे हैं वहाँ पे, तो उसकी 150 लेंथ की हमें पहले मेजरमेंट करनी पड़ती है कि कितनी में लेंथ चाहिए और कितनी में विड्थ चाहिए. तो ट्रैक बनाया कैसे जाता है, ट्रैक ऐसा है कि यहाँ आप लोगों के यहाँ पे लाइन दिख रही होगी, ये वाली, इसको बोलते हैं स्पेक्टेटर एरिया या स्पेक्टेटर स्टैंड. यहाँ पे दर्शक बैठते हैं, पहले दर्शक बैठते हैं, उसके बाद एक वहाँ पे स्टे होता है जो VIP मंच होता है, VIP पर्सन, जो वहाँ पे VIP पर्सन होते हैं, जो कोई चीफ गेस्ट होता है, जो सलामी देते हैं, दो सलामी देता है मार्च पास के टाइम पे. और फ्लैग जो मंच होता है, मंच के आगे स्टेज के आगे फ्लैग लगा होता है जो VIP द्वारा जो होल्ड किया जाता है. उसके बाद जहाँ पे फ्लैग आपको दिखाई दे रहा होगा, फ्लैग ये पॉइंट है, फ्लैग से 50 मीटर्स आगे हम लोग यहाँ पे फ्लैग होता है, फ्लैग से 50 मीटर आगे और स्पेस लेंगे और वहां से क्या करेंगे, उसके वहां पे ट्रैक बनेगा. अब ट्रैक कहाँ से स्टार्ट होगा, तो वहां तो वो एंडिंग लाइन होगी 15 मीटर दूर पे, इनर लाइन होगी, इनर लाइन हम और दूर होगी, वो कितनी होगी 9.76 मीटर. वो कैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग नंबर ऑफ लेन, नंबर ऑफ लेन कितनी होती है ट्रैक के अंदर, 8 और 10. तो मोस्टली जो हम रनिंग करवाते हैं वो हम लोग 8 लाइन्स ट्रैक पे ही रनिंग करवाते हैं, तो हम लोग 8 लाइन्स को ही मार के चलते हैं, 8 लाइन लेके चलते हैं. और विड्थ ऑफ लेन, एक जो लेन होती है उसकी विड्थ कितनी होती है, 1.22 मीटर्स टू 1.223 मीटर्स प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर. तो हम लोग स्टैंडर्ड लाइन का जो विड्थ है वो कितनी लाइन विड्थ है, 1.22 मीटर्स या 1.22 मीटर्स. वन लेन की विड्थ कितनी है, 1.22 मीटर्स. और एक लेन, एक लेन की विड्थ कितनी हो जाएगी, यहाँ हम लोग जो जितनी भी एक लेन की या वन लेन की विड्थ है उसको यहाँ हम लोग एक लाइन से 8 से आप लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना कितना आएगा सर, 9.76 मीटर्स. तो ये टोटल ऑफ एक लेन की विड्थ आ गई है जहाँ पे एथलीट रन करेंगे. तो अपना ये पॉइंट रहा क्या था, सबसे पहले हम जिस स्पेक्टर लाइन थी उसके बाद स्टेज का, स्टेज से 15 तो उसके स्टेज के बाद क्या था, वहाँ पे एक फ्लैग जो लगाया था, फ्लैग के लिए जगह छोड़ी जाती है, फ्लैग के बाद 15 मीटर आगे ये कौन सी होगी, यहाँ पे ये होगी आउटर लाइन, इसको बोलते हैं ना आउटर लाइन. आउटर लाइन मीन ट्रैक की लास्ट लाइन होगी ये, और इसके अंदर ही 1.22 मीटर्स की 8 लाइन बनेगी. तो इट मीन तो अपने पास यहाँ पे ये लाइन आपको दिखाई दी होगी, दे रही होगी डी और ए, ये वाली लाइन, ये क्या अपनी इनर लाइन, इनर लाइन क्या होती है, ये हमें इनर लाइन बनती जो कि ट्रैक की पहली लाइन होगी, उसके बाहर जो 8 लाइन बनाई जाएगी. तो यहाँ पे क्या कितनी स्ट्रेट कितनी है 80 मीटर्स. तो यहाँ जो फ्लैग है जो अपना स्टेज है उसके सामने बिल्कुल होता है, तो उससे सेंटर लेगी यहाँ पे, तो इट मीन क्या होगा, इस पॉइंट से 40 मीटर दिस साइड और 40 मीटर दिस साइड, टोटल इसकी लेंथ कितनी होगी 80 मीटर्स. तो 80 मीटर मतलब क्या आ गई, लेंथ आ गई. तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज किया जाता है, वहां देखिए थोर होती है, आप लोग 9th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ रहे होंगे आप लोग. तो हम लोग क्या करते हैं कि हमें एक ट्रायंगल बनानी पड़ती है, ट्रायंगल, ठीक है, उसका क्या होता है, एक बेस होता है और एक क्या होता है हाइपोटेनस होता है जिसको हम डायग्राम बोल देते हैं, और यहाँ एक परपेंडिकुलर होता है जिसको हम लोग हाइट बोलते हैं. जब हम हाइपोटेनस या डायग्राम निकालते हैं इसको हिंदी में हम लोग कर्ण बोल देते हैं, और हाइट को हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग लंब बोल देते हैं, आधार को हम लोग क्या बोल देते हैं, बेस क्या बोल देते हैं हम लोग, आधार बोल देते हैं.
तो यहाँ पे क्या होगा कि आधार का स्टेयर और लंब का स्टेयर, जब बेस स्टेयर प्लस परपेंडिकुलर स्टेयर जब किया जाएगा तो हाइपोटेनस हमारे पास निकल जाएगा, डायगोनल निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखा है आपने, यहाँ पे एच यहाँ पे हाइपोटेनस को शो कर रहा है, इक्वल टू बेस इक्वल टू थ्री बेस प्लस परपेंडिकुलर, उसके बाद एच स्केयर इक्वल टू बी स्केयर प्लस टी स्केयर, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय यूज हो रहा है, एच इक्वल टू बी स्केयर प्लस टी स्केयर का अंडर रूट निकाल देंगे। इसको हम लोग ए बी स्केयर प्लस बी सी स्केयर प्लस ए सी स्केयर भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग शॉर्ट फार्मूला होता है यहाँ पे तीन चार पांच मीटर का, उसमें क्या होगा यहाँ पे देखिए ए बी या एच मान लेते हैं, यहाँ पे ए बी स्केयर फाइव का स्केयर हो जाएगा इक्वल टू बी सी स्केयर, सॉरी यहाँ पे ए सी स्केयर, ये वाला ए सी स्केयर हो जाएगा फाइव का स्केयर, और बी सी स्केयर कितना हो जाएगा थ्री का स्केयर प्लस ए बी कितना हो जाएगा फोर का स्केयर। तो यहाँ पे देखिए आप लोग थ्री का स्केयर थ्री इंटू थ्री प्लस फोर इंटू फोर, या फोर का स्केयर थ्री इंटू थ्री नाइन प्लस फोर इंटू फोर सिक्सटीन, जब इनको प्लस किया जाएगा तो कितना आएगा ये ट्वेंटी फाइव, और दिस साइड जब 5 का स्क्वायर करेंगे 5 into 5 तो 25 25 25 इक्वल। तो हम लोग क्या करेंगे 3 4 8 मीटर के एक शॉर्ट फार्मूला ले लेते हैं, या तो हम लोग शॉर्ट फार्मूले से हम लोग किसी भी जो उसका रेक्टेंगल होता है या डायगोनल निकालते हैं रेक्टेंगल का वो निकाल पाएंगे, या हम लोग फिर क्या करते हैं कि जो इसका अंडर रूट की कैलकुलेशन की आएगी तो एक पॉइंट पे रख के उसका हम लोग डायगोनल निकाल लेंगे, यहाँ पे डायगोनल आप मीटर कट आउट करेंगे वहां से उसका पॉइंट मिलेगा, और हम लोग उसके जो आउटर स्पेस होता है जो उसका रेक्टेंगल का आउटर लाइन होती है वो हमारे पास वो ये मिल जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे अभी हम लोग तीन चार पाँच फार्मूले दोनों बार फार्मूले बताऊंगा, पहले हम लोग थ्री फोर फाइव मीटर के फार्मूले से हम लोग रेक्टेंगल निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है आप लोगों को देखना होगा, आप लोग ए बी और ए 80 मीटर है तो हमें यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे थ्री फोर थ्री और थ्री फोर फाइव मीटर से, तो हम लोग नीचे की तरफ देखें 4 मीटर बेस और हाइट की तरफ 3 मीटर, और यहाँ जहाँ 4 मीटर है तो बाद में 5 मीटर को कट करेंगे इधर से 3 मीटर, यहाँ पे कट हुआ तो इधर से रख के कट करेंगे यहाँ पे 5 मीटर, हमारे पास क्या आ जाएगा ये डायगोनल आ जाएगा, और ये इसका क्या है इसका परपेंडिकुलर आ जाएगा, जिसको लंब बोल देते हैं इसको बेस बोल देते हैं इसको आधार आ जाएगा। तो इससे आगे यहाँ पे कट होगी इस लाइन को आगे बढ़ा लेंगे क्योंकि हमें वहाँ पे सेंटर पॉइंट चाहिए जहाँ से हम लोग रेडियस लेके कर्व बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा अपने पास ये 38.18 अपने पास क्या था रेडियस जो हमने लास्ट क्लास में निकाला था, तो यहाँ पे एक रेडियस यहाँ पे और दूसरा रेडियस यहाँ पे, जब कार्बन भूल जाएगी तो हम लोग कितनी चाहिए अपने पास टोटल हम दोनों को प्लस करेंगे तो अपने पास आएगी 76.36 मीटर 76.36। ठीक है, तो हम लोग ये पूरी जब यहाँ पे ए से जब लाइन आगे खींचेंगे तो 76.36 मीटर या 76.36 मीटर से लाइन लेंगे यहाँ तक। उसी प्रकार फिर यहाँ से तीन चार पाँच का फार्मूला यूज करते हुए इस लाइन को आगे तक बढ़ाएंगे, फिर सी पॉइंट पे तीन चार पाँच मिनट का फार्मूला यूज करते हुए इस पॉइंट को डी खत्म कर देंगे, डी पे फिर तीन चार पाँच का फार्मूला यूज करेंगे जिसको हम लोग थ्री फोर फाइव का भी फार्मूला बोलते थे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा उसकी जो आउटर लाइन होगी लास्ट लाइन की हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं, या फिर दूसरा फार्मूला जो हम लोग बात कर रहे थे कि जो अंडर रूट कैलकुलेशन करने का जो अंडर रूट निकलेगा तो उसको आप लोग पॉइंट एक डी पे रखिए, जो भी अपनी यहाँ पे कैलकुलेशन आएगी उसको आप लोग यहाँ पे रख के अपने मेजरमेंट टेप की सहायता से उसको कट कीजिए, फिर ए के यहाँ पे ए पे रखिए और पॉइंट सी पे कट कीजिए और इनको मिला दीजिए, इस प्रकार से भी हमारे पास क्या आ जाएगा रेक्टेंगुलर और या रेक्टेंगुलर एरिया अपने पास आ जाएगा। तो इसको हम लोग यहीं पर उठा के आगे ले लेंगे इसको, ठीक है, यहाँ ये बता यहाँ पे आपको समझ में आता है यहाँ पे पॉइंट ए बी सी डी हमारे पास हो चुका है जिसकी ए बी और बी सी कितनी है 80 मीटर, और जो बी सी ए बी है और सी डी है वो कितनी है मेरे पास 76.36 मीटर। तो यहाँ पे अपने पास आ चुका है, उसके बाद हम इसको उठा के यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल बन जाएगा यहाँ पे ये वाला ए बी सी डी अपने
जो सारी कैलकुलेशन करके हम लोगों ने बाहर पे जो रेक्टेंगल निकाला वो हम लोग यहाँ मेंशन कर देते हैं। हमारे पास ये कितना आया 80 मीटर्स और ये भी कितना आया 7.36 मीटर्स। तो ठीक है, यहाँ पे ए भी कितनी है 76.36, हम लोग इसे क्या करेंगे इसका हाफ कर देंगे, यहाँ पे अपना सेंटर पॉइंट है। इसी प्रकार सी डी का हम लोग क्या करेंगे हाफ करेंगे, हमारा सेंटर पॉइंट आ जाएगा। इस सेंटर पॉइंट पे अपने पास रेडियस कितना था जो लास्ट हम लोगों ने क्लास में हम लोग पढ़ा था, यहाँ तक जो एंडिंग पॉइंट था अपना 38.18 मीटर। इसको हम लोग इस पॉइंट पर रख के मेजरमेंट टेप की सहायता से इसको मापेंगे और बी से मिला देंगे। यहाँ पे एक जो अपना सेमी सर्कल होता है हाफ सर्कल होता है तो इससे मिल जाएगा। इसी प्रकार हम लोग यहाँ पे सेंटर पॉइंट से टेप को रख के सी से लेके डी को इसको घुमा देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों कर्व आ जाएगी, दोनों आर्क आ जाएगी और प्लस क्या आ जाएगा आपको दोनों कर्व आ चुकी है। ट्रैक ये पहली पहली जो कर्व थी कर्व भी अभी स्ट्रेट भी आ चुकी है। अब हम यहाँ से करेंगे मेजरमेंट जो आगे लेंथ की मेजरमेंट करती है। तो हम लोग अगली कर्व कैसे लगाएंगे, एट लाइन से हम लोग कर्व लगाएंगे तो उसके बारे में चलते हैं, आगे चलते हैं उसके बारे में क्लियर करते हैं। रेडियस अपने पास रेडियस कितना था, रेडियस अपने पास था 38.18 मीटर या 38.18 मीटर जो यहाँ से हमने रखते इसको आर की वैल्यू। क्लियर, तो अपने पास क्या था कि ये एक ये सेमी सर्कल और एक ये सेमी सर्कल, तो टू रेडियस कितने हो गए 38.18 से मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास आएगा 76.3 मीटर। ठीक है, ये वाला उसके बाद डायमीटर। जब हम लोग टू सेमी सर्कल्स को आपस में प्लस करते हैं तो सर्कल बन जाता है, उसको हम लोग डायमीटर भी बोल देते हैं। डायमीटर कितना आ गया हमारे पास 76.36 मीटर। तो यहाँ पे क्या है मार्किंग रेडियस, अपने पास मार्किंग रेडियस कितना निकला 38.18 मीटर या 38.18 मीटर। तो रनिंग रेडियस, रनिंग रेडियस क्या हुआ, यहाँ पे आप लोगों को देखा होगा यहाँ पे ट्रैक है, ये ट्रैक कौन सा बोर्ड ट्रैक, बोर्ड ट्रैक और हम इसको बोल सकते हैं कर्व ट्रैक भी इसको बोल सकते हैं। वो कौन सा होता है कि यहाँ पे मान लीजिए ट्रैक बना हुआ है, ये वाला बोर्ड ट्रैक, यहाँ पे कोई ईंट लगी हुई है या कोई भी यहाँ पे किसी मटेरियल की वहां पे लाइन लगी हुई है स्ट्रेट के रूप में, तो बाद में क्या होता है आप लोग यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखाई दे रही होगी, जितनी डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है वो क्या है कि जो रनर होता है जो ग्रिड होता है वो इससे हटके दौड़ रहा है, क्योंकि या तो उसको लगता है कि अगर यहाँ पाव आ गया तो डिस्क्वालीफ हो जाएगा या फिर उसको कोई चोट ना लग जाए, इससे बचने के लिए वो क्या करता है इसे दूर दौड़ता है। तो ये जो इसके विशेषज्ञ हैं जो इनको जो वैज्ञानिक है जो ट्रैक के बारे में उन्होंने अच्छे से जो अपना उन्होंने मूल्यांकन किया है जो इनका कंक्लूजन निकाला है, उन्होंने ऊपर से कैमरा लगा के ये जो कंक्लूजन निकाला है उन्होंने देखा है कि कोई भी एथलीट जब दौड़ता है तो जो लाइन होती है उससे 30 सेंटीमीटर या 0.30 मीटर वो दूर दौड़ता है। तो अगर आपने देखा गया कि जो 0.30 मीटर या 30 सेंटीमीटर वो दूर दौड़ता है तो उसके लिए उसको डिस्टेंस अधिक पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया कि हमने इसमें इसको बीच में ऐड किया, अपने पास जो मार्किंग रेडियस कितना 38.18 मीटर उसके अंदर हमने 0.30 मीटर को ऐड किया, 30 सेंटीमीटर को ऐड किया, अपने पास कितना आ गया 38.48 मीटर। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने फिर कैलकुलेशन की इसकी, यहाँ पे रेडियस का जब 2πr जो उसका फॉर्मूला होता है तो अब हमारे पास कितना था रेडियस 38.48 को बीच में इसके बीच में सारी रख के इसको कैलकुलेशन की तो डिफरेंस कितने का आया 1.87 मीटर का डिफरेंस था, अपना डिफरेंस आया कि वो जो एक रनर है उसको इतना अधिक पड़ेगा। तो विशेषज्ञों ने क्या किया, उन्होंने किया कि हम लोग जो जितना ही फर्क आया है तो हम लोग जहाँ पे निकाल देंगे जब वो ट्रैक पे ट्रैक बनाएंगे तो उसको उसके बीच में ही ऐड कर देंगे जितना डिस्टेंस होगा, ताकि एक प्लेयर्स को जो भी एथलीट है जो भी रनर है अगर वो दौड़े तो उसकी दूरी कितनी हो ऊपर 400 मीटर हो ना कम हो ना अधिक हो। तो फिर इसकी कैलकुलेशन की आफ्टर अगेन कैलकुलेशन, जब कैलकुलेशन के बाद जब दोबारा कैलकुलेशन हुई तो अपना क्या देखा कि जो मार्किंग रेडियस था
पहले नंबर सर रनिंग ट्रीट में जो रेडियस था कितना था 38.48 निकला था, उसके बाद जब प्लेयर दौड़ता है ना, तो उससे पहले कितना रेडियस था अपने पास 38.18 मीटर्स या 38.18 मीटर्स। उसमें से हमने क्या किया कि जितना ये प्लेयर दौड़ रहा है ठीक है, जो 0.30 मीटर अपना 30 सेंटीमीटर उसको हम इसमें से माइनस कर देते। जब उसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो अपने पास रेडियस कितना जाएगा 37.85 मीटर या 37.85 मीटर अपने पास आ जाएगा। ये अपने पास क्या आ जाएगा मार्किंग रेडियस। तो जब हम ये मार्किंग रेडियस जब यहाँ पे मार्किंग करेंगे ये बना, जब अंदर दौड़ेगा तो कितना दूर दौड़ रहा है 30 सेंटीमीटर या 0.30 मीटर डिस्टेंस पे तो दौड़ रहा है, तो उसको हम फिर उसके बीच में ऐड कर देंगे तो अपना रनिंग रेडियस कितना आ गया 38.18 मीटर, जितना प्लेयर को दौड़ना चाहिए जो हमने सबसे पहले निकाला था। तो यहाँ पे जो मार्किंग रेडियस होगा यहाँ पे देखो आपने सेंटर से हम मार्किंग कर रहे हैं, जब आप मार्किंग तो कौन सा रेडियस कितने रेडियस ले रहे हैं हम 37.8 मीटर। अगर यहाँ पे प्लेयर दौड़ रहा है तो वो कितना होगा, तो कितने पे दूरी पे दौड़ रहा है प्लेयर, कितने डिस्टेंस पे दौड़ रहा है, तो वो दौड़ रहा है 38.18 मीटर्स। जब 38.18 मीटर्स पे जब दूरी पे दौड़ रहा है तो वो कितना आएगा रनिंग रेडियस कितना होगा, रनिंग रेडियस होगा 38.18 मीटर्स, और जो मार्किंग रेडियस होगा वो होगा 37.85 मीटर। 37.85 मीटर से बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्रैक है नेक्स्ट वीडियो, तो जो ट्रैक है सेकंड पार्ट का जहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है, जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से सभी से अनुरोध है कि आप लोग कोई भी पार्ट मिस मत कीजिए, अगर पार्ट में कोई मिसिंग होगी तो आप लोग ट्रैक का जो प्रॉपर जो ट्रैक बनाया जाता है वो कैसे बनाया जाता है आप लोग उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। आज के टॉपिक में इतना ही, इसी के साथ थैंक्स, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, स्टे होम एंड बी सेफ।